हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 को लेकर के बता रहा हूँ। इसमें अगर हमें जीएसटी कैलकुलेशन के लिए छोटा सा एक एडजस्टमेंट करके दिखाता हूँ कैसे हम बना सकते हैं सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को ओपन करते हैं। ये ओपन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 365 को। अब इसमें जीएसटी कैलकुलेशन के लिए हमको बनाना है, तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से इसको डिजाइन व्यू पे लेना है। जैसे डिजाइन व्यू पे लेते हैं तो यहाँ पर टेबल वन आता है, आप चाहे तो टेबल वन रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीएसटी सॉफ्टवेयर, आपका जो अंदर है वो रख सकते हैं यहाँ। तो ये लिख दिया जीएसटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर देख सकते हैं आईडी आ रही है, इसको आईडी ही रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नेम ऑफ प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट्स नेम भी कर सकते हैं। तो ये लिख दिया मैंने प्रोडक्ट नेम, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आएगा, तो इसके लिए हम शॉर्ट टेक्स्ट का यूज करेंगे। और यहाँ पर आएगा उसकी प्राइस, तो यहाँ पर लिख दिया प्राइस। और प्राइस को ऑलवेज यू हैव टू बी केयरफुल कि हम यहाँ पे करेंसी रेट टाइप रख लेते हैं। ये यहाँ पे रख लिया हमने करेंसी डेटा टाइप। तो करेंसी डेटा टाइप रखने के बाद यहाँ पे यूनिट कर लीजिए, यूनिट कर लिया। यहाँ पे यूनिट जो है नंबर डेटा टाइप होगा, और यहाँ से हम इसे डेसिमल बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको डबल कर देना होगा, डबल यहाँ पे कर दिया हमने। यहाँ पे हमें टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल, तो ये हमने टोटल करा। और यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे भैया, तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप की मदद से करेंगे, क्योंकि ये ऑफिस 365 है। तो यहाँ पे कैलकुलेटेड डेटा टाइप आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट को, ठीक है। और प्राइस को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यूनिट से। तो यहाँ पे सिंपली प्राइस लिख करके और मल्टीप्लाई बाई यूनिट कर दीजिए, तो बस हो गया काम आपका। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में आप टोटल कैलकुलेट कर पाएंगे। अब हमको टैक्स कैलकुलेट करना, पहले तो यहाँ पे टैक्स मैं रख लेता हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने टैक्स, ठीक है, और इन कर देता हूँ परसेंट। तो टैक्स इन परसेंट कर दिया हमने। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नंबर रखना है, नंबर रख लीजिए, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे जीएसटी अलग अलग तरीकों से देंगे। जैसे हमारे इंडिया में जीएसटी लगता है 5%, 10%, 12%, 18%, 21% या 28%। तो इन्हीं में से सारे जीएसटी ये जो ऑप्शन है वो शो करें। कुछ ऐसा हम चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना होगा, लुकअप विजेट पे जाना होगा। ये लुकअप विजेट पे गए, और जैसे लुकअप विजेट पे जाते हैं तो लुकअप विजेट हमारा ओपन हो जाता है। और यहाँ पर नीचे दो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ते हैं, देखिए आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्वेरी। किसी अनदर टेबल या क्वेरी से तो आने नहीं वाली है, तो हम आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट करके आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम परसेंटेज दे देंगे, हम यहाँ पे पहले 5% दे देते हैं, ये 5% दे दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं फिर यहाँ पर 10% देते हैं, तो ये 10% दे दिया हमने। और फिर यहाँ पर आते हैं 12%, तो ये 12% भी दे दिया। और फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 12% के बाद 18%, ये 18% हो गया। और फिर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे 21% कर दिया हमने, और लास्ट में 28% भी हमें दे देना है। तो ये 28% भी हमने दे दिया। यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं और फिनिश कर सकते हैं, ये फिनिश कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं तो टैक्स अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो ये कर दिया टैक्स, और यहाँ पे कर दिया अमाउंट, टैक्स अमाउंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल के अंदर ही तो हमारा टैक्स छिपा होगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने टोटल, और सिंपल वे में इसको मल्टीप्लाई करवाइए, मल्टीप्लाई। अच्छा अभी देखते हैं मल्टीप्लाई करवाते हैं तो होता क्या है। टैक्स इन परसेंट है ना, तो बस इसी से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये लिखा मैंने टैक्स इन परसेंट, इसी से हमें मल्टीप्लाई करवाना है। एक बार देखते हैं एक्सेल में, चूंकि ऐसा करते हैं तो हमारा कैलकुलेट ऊपर आ जाता है। यहाँ पर क्या सिचुएशन है एक बार देखते हैं, यहाँ से इसको ये कर देते हैं। तो अभी देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से ये डेटा हमारा आया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम डाल देते हैं, जो भी आप प्रोडक्ट का नाम डालना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SUGAR, शुगर लिख दिया, ग्रोसरी का आइटम है। और यहाँ पे 4500 रुपये किलो इसकी कीमत लिख दी, 6 किलो शुगर मान लीजिए परचेस किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 270 रुपये उसकी कीमत आ गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे टैक्स परसेंट पे आते हैं तो आपको ये ड्रॉप डाउन दिखाई पड़ेगी। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन मान लीजिए कि 5% इस पर टैक्स लगता हो, तो यहाँ पे 5% अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पर आपको ये एरर आपको मिलता है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कैसे करना। अगर आप परसेंटेज लिखते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से ये मैंने किया। ये लाइक लुकअप विजार्ड पे गए सबसे पहले, देखिए
उनका विजिट पे आए, आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, और यहां पर आपको परसेंटेज में नहीं देना, आप ऐसे नहीं लिख सकते यहां पे जैसे मैंने लिखा था। देखिए 5% आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसके लिए एक और तरीका बताऊंगा, 5% हो गया, फिर यहां 10% हो गया, यहां 12% करेंगे, ये 12% हो गया, फिर यहां 18% करेंगे, और फिर यहां 21% करेंगे, और फिर यहां ये परसेंट ही है समझिए, ठीक है, और यहां 28% करेंगे। तो ये सब हो गया, आप यहां से नेक्स्ट करिए और बस यहां से फिनिश कर दीजिए, अब आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आप कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो अब ये कैलकुलेट करके आपको टैक्स अमाउंट भी बताएगा। तो यहां पे टैक्स इन परसेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आपको यहां परसेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं। जैसे ही आप यहां पर रेशियो चेंज करते हैं, लाइक यहां देखिए सारे परसेंटेज बन गए, 28% किया तो उसके हिसाब से टैक्स आ गया, ठीक है, यहां से चेंज किया 10% तो उसके हिसाब से टैक्स आ गया, फिर यहां से चेंज किया तो उसके हिसाब से टैक्स आ गया। तो इस तरीके से आसानी के साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी। अब देखिए यहां पर कुछ और ले लेते हैं, लाइक राइस ले लेते हैं, RICE राइस लिखा हमने, यहां पे कीमत आ गई 30 रुपए किलो, और यहां पर 100 किलो राइस की बात करते हैं, तो ये हो गया, यहां से टोटल कॉस्ट आ गई। यहां पर आप चूज कर सकते हैं कि राइस पे कितना परसेंट टैक्स लगने वाला है, 5% टैक्स लगे तो 5% के हिसाब से यहां टोटल यहां पे कैलकुलेट होकर आ जाता है। अब आप इसके लिए फॉर्म भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कुछ और ले लेते हैं, लाइक बेसन लिख देता हूँ, बेसन ये लिख दिया, और फिर यहाँ पर इसकी कीमत रख देते हैं, यहाँ पे 100 रुपए किलो, 100 रुपए लिख दिया मैंने, और यहाँ पे 4 किलो की बात करते हैं, और यहाँ पर आपका ड्रॉप डाउन से चूज कर सकते हैं कि कितना परसेंट टैक्स अप्लाई होगा, तो 5% होगा, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा टैक्स अमाउंट। इस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ से जाके फॉर्म बनाएंगे हम, तो ये फॉर्म बना सकते हैं, तो यहाँ पे जाके आप फॉर्म बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, सीधा फॉर्म डिजाइन पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चलिए फॉर्म डिजाइन पे चलते हैं, यहाँ से ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे फील्ड मिल जाते हैं जो भी आपने लिए थे, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम चाहिए हमें, प्राइस चाहिए, यूनिट चाहिए, टोटल चाहिए, टैक्स इन परसेंट चाहिए, ठीक है, और टैक्स अमाउंट चाहिए, ये सारे फील्ड हमें चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी शीट ओपन हो जाती है, यहाँ पर आप चेंजेस वगैरह कर सकते हैं, तो यहाँ पे फील्ड रख के और यहाँ से फॉर्म चूज करके और फिर यहाँ से थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं, पॉपअप को यूज कर लेते हैं, और भी चेंजेस आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जाए तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, बटन तो आसान है लगाना, यहाँ से आपको बटन मिल जाते हैं बहुत सारे। तो ये देखिए ये क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये क्या है लेबल है, और ये क्या है, ये बटन है। तो इसी बटन पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से इसको ड्रैग करवाएंगे ना, तो ये बटन वाला विजार्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए बटन वाला विजार्ड ओपन हो गया। अगर आपको नेक्स्ट करना है, लास्ट रिकॉर्ड करना है, तो जो भी करना है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये कर लिया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये करने के बाद फिर यहाँ से इसको आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा करने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आप ड्रैग करवा लीजिए, ये ड्रैग करवाया, ठीक है, और फिर यहाँ से आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट रिकॉर्ड का भी बटन बना सकते हैं। तो बटन बनाना मैंने कई बार बताया है, तो इसको यहीं पे स्किप करता हूँ, ये हो गया, ठीक है, नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए, तो यहाँ से जाकर के बैकग्राउंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। अब ये आपका हो गया है, अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर आपका टैक्स कैलकुलेशन वाला फॉर्म ओपन है, यहाँ से आप टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो भी आपका परसेंटेज है वो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे चूज किया तो रिजल्ट कुछ और आएगा। अगर आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, फिर शुगर वाला डिलीट हो जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड में अब आपको शुगर नहीं मिलेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड का भी बटन बना सकते हैं, ठीक है। आई होप की बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।